नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनके एजुकेशन पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों, ध्यान से देख लेना। अगर आप लोग अब ध्यान से नहीं देखोगे तो परीक्षा में आप हमें याद करोगे। भाइयों बस दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों हम जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं। दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको मन से बताऊंगा, कुछ सवाल पेपर के माध्यम से बताऊंगा, कुछ कहां से बताऊंगा तो, और कुछ मैंने एक इंस्टा पे डाल रखी है वो वहां से बताऊंगा। पहला सवाल है नीली क्रांति का संबंध है, तो दोस्तों मछली उत्पादन से आपके नीली क्रांति का संबंध है। अगला है भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 1948 के अंदर भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। अगला सवाल है 1857 के संग्राम में भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे, वो 1857 के संग्राम में भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं, तो दोस्तों संविधान के मौलिक कर्तव्य आपके मुख्य रूप से 11 बताए गए हैं। अगली खाली जगह के रूप में आ सकता है। दूसरा सवाल सामाजिक वानिकी योजना का की वित्तियों को सहायता प्रदान की जाती है, तो दोस्तों ये योजना का जो भी सहायता है वो विश्व बैंक आपको प्रदान करती है। एक बार बच्चे इसकी स्वर जरूर ले ले। आर्थिक विकास की जनता के खाली जगह स्तर में वृद्धि होती है, तो दोस्तों जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए इंटरनेट काम आता है। अगला है आपको या तो सही है या गलत है, दोनों में से एक चूज करना है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, तो बिल्कुल साहब सत्य बात है, संसाधन में कमी आती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि मोदी जी है वो आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे या फिर नहीं करेंगे, आप खुद सोच के मुझे कमेंट में बताओ। सड़क परिवहन सबसे सस्ता साधन है, तो नहीं बिल्कुल साहब गलत बात है। सबसे सस्ता परिवहन की बात की जाए तो दोस्तों रेल आती है, उससे अलावा कोई नहीं। कृषि पात्रमुख शर्त के अंतर्गत आती है, तो हाँ कृषि प्रथम स्रोत के अंदर आती है। आर्थिक विकास एवं सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हाँ ये निरंतर भी चलती है, काफ़ी टिकाऊ भी है। बाकी के सवाल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डाउट नट डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउट नट पर सेंड कर देनी है। 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बिहार हमारा, राजस्थान एमपी अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 आईटीआई मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स की सारी बुक वीडियो सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी। क्लास 9 से लेकर 12th वालों के लिए चलाई जा रही है डाउट नेट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों का विश्वास डाउट नेट ऐप आज ही डाउनलोड करें। बाकी का एक सवाल देख सकते हो, सन 1857 की क्रांति के प्रमुख स्रोत कौन कौन थे, केंद्र कौन कौन से थे, नसीराबाद से शुरुआत हुई तो क्यों हुई। अगर बात की जाए राजस्थान की तो हुई तो मेरठ नसीराबाद से हुई, और भारत की बात की जाए तो मेरठ से हुई। ये कुछ विचारधारा है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है।